Alexa, who is Mania Vlogs? From Newsbugs.com. Mania is a popular model that is active across all social media platforms. Alexa ने मेरे बारे में बताया. मेरा बच्चा क्यों है? तो इसका ऐसा है कुछ, ये मेरा वॉशरूम है जो कि खुला पड़ा हुआ है. और ये मैं हूँ. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. आज हमारे घर में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन हमारा घर पूरा फिर से उलट पुलट हो चुका है. सिर्फ अल्तमस के ये कहने से कि हाँ वो अपना रूम चेंज करने के लिए रेडी है, और ख़ुद से ही उसको हो गया कि मुझे ही आप फर्स्ट वाला बेडरूम दो, सेकंड मास्टर बेडरूम आप ले लो. ये क्या हो रहा है भाई? ये मिरर है. क्या हो गया इसे बताओ, क्या हुआ है? यहाँ पे बहू हो गया. खाची क्यों आ गया मेरे बुद्धि को? बोलो वेलकम बैक मान्या व्लॉग्स. गाड़ी कितनी और समय यार. मैं इनको बात नहीं करनी आती. जैसी भी आती है बस आती है. तो अल्तमस का बेडरूम दिखाती हूँ, और लकी का सारे कपड़े जो है वॉकिंग क्लोजेट में वन साइड चले गए हैं, और जो मुझे अब ऑर्गेनाइज करने हैं. मेरा ड्रेसिंग टेबल मुझे मिल गया है, तो मैंने सारा कॉस्मेटिक निकाल लिया है. तो सबसे पहले हम चलते हैं अल्तमस वाले रूम की तरफ. शायद वो काबा वाली बात सुन के मान गए ना आप. अब आए ना लाइन पे. और हाय गाइस, चलो अब मैं लेके चलती हूँ दूसरे बेडरूम में. अभी ये सब खाली होना है, वॉकिंग क्लोजेट में आएगा. नहीं अभी नहीं बता. और हमारा ये वाला बेडरूम, और ये है सब कुछ. यहाँ पर अभी हमारे ड्रेसिंग का सारा ही सामान ऑर्गेनाइज करना है, तो आ रहा है धीरे धीरे. पहले मैं बना के पीती हूँ अच्छी सी कॉफी, एंड देन स्टार्ट. गाइस जब मम्मी ये रूम अच्छे से करेगी ना, मम्मी एक मच्छर वाली नेट भी मंगा लेगी, कितना अच्छा लगेगा मम्मी का रूम. देखो ये बेड पे ये बना है, देखो. अच्छा ये आपको आज लग रहा है, और जब मम्मा बोल रही थी तब नहीं लग रहा था आपको? वॉट मंगाती हूँ मैं, ऑर्डर करती हूँ. इसका एसी फुल चलता है पता, आपके रूम का एसी फुल भी नहीं चलता. देखा धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए. फुल चलता है बट अभी जरूरत नहीं है. तो गाइस ये हमें ही बकवास करते रहेगा, बट हम तो प्रो है, हमें तो काम पे लगना है ना. चलो लगते हैं. Run. मैंने बहुत ही अपनी जो फेवरेट वाली लिपस्टिक्स थी ना, वही लॉन्ग लास्टिंग वाली साथ में पिक करी थी. और ये है Lakme 925 मैट. पता नहीं इसको किसकी बुरी नजर लगी, इसका ना कैप ही घूम हो गया और मिल नहीं जाए. तो ये सब तो मैंने बड़े अच्छे से कर लिया है. यहाँ पर मुझे अपने सारे क्लच बैग्स लेके आने हैं, तो फिलहाल मैंने नया जो दिखा वो रख दिया है. तो इसका ऐसा है कुछ, ये मेरा वॉशरूम है जो कि खुला पड़ा हुआ है. और ये मैं हूँ गाइस, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर लगी के सारे, यस तो यहाँ पर लकी के सारे ही हमने शर्ट्स लगाए हैं. वहाँ मेरे एक फैंडी का बैग और मेरे कुछ पाउचेस रखे हुए हैं जो कि मुझे निकाल लेने हैं. और यहाँ पे लकी की सारे ही नहीं कुछ वॉचेस और कुछ बेल्ट्स रखे हैं मैंने अंदर. डेनिम्स यहाँ रख दी थी, और अपने क्लच बैग्स मैंने इधर लगाए थे. ज्वेलरियाँ इधर रखी थी, और भी मुझे सब कुछ यहाँ पे सेटअप करना है. बट अब लकी ने कहा है कि उनके सारे डेनिम्स जो ये रखे हुए हैं, ये सारे ही अलग अलग तरीके से, मतलब ये सारी डेनिम्स कलर वाइज यहाँ पे सेटअप करो, और तुम्हारे क्लच बैग यहाँ से निकाल के फेंक दो. अदरवाइज यहाँ पर भी स्पेस है, तो मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ. और ये वाला पोर्शन पूरा ही मेरा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता. तो यहाँ पर मैं अपना सब कुछ रखूंगी. और यहाँ पे लकी के सारी जैकेट्स हैं कुछ, और कुछ वो अभी साथ में पिक करके ले गए हैं बाहर गए हैं तो. और यहाँ पे उनकी टी शर्ट्स है, उनकी हुडीज हैं, लोअर्स हैं, सब कुछ है. चलो जी, तो ये हो गया है फिलहाल. फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं अपने सारी ड्रेसेस वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ प्रॉपर वे में, अच्छे तरीके से.
तो मैंने कुछ कुछ यहाँ पर जो है अपना सेटअप कर लिया है, और अब मैंने निकाल लिया है अपने कुछ कपड़े जो मुझे पता ही नहीं थे कि दुपट्टा वगैरह मेरे कहाँ है। मैं देख रही थी तो वो इस वाले जिपर बैग में थे, इसमें सारे ही दुपट्टाज है, बहुत सारे, लाइक इसमें कुछ 25 दुपट्टाज है, मतलब सारे ही कलर्स के जो मुझे चाहिए होते हैं मोस्टली, तो मैंने वो निकाले हैं। और मैंने मंगवाए हैं हैंगर ये वाले, जो कि 12 का कॉम्बो सेट है और मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला है, काफ़ी अच्छा है, मतलब सॉलिड है ये। टोटल 24 मुझे रिसीव हो गए हैं, और मैं लेकर आई थी अपने साथ 75 हैंगर जो कि यूज़ हो चुके हैं सिर्फ लक्की और अल्तमश में, और हुरैन के तो अलग ही थे, छोटे छोटे बेबी हैंगर्स तो वो तो अलग से ही लगे। और ये वाला कुर्ता मेरा इतना प्यारा है, देखो थोड़ा सा काम करते हैं फिर थक जाते हैं, ऐसा लगता है बस आज तो, ऐसा लग रहा है कि बस आज तो ख़त्म करना है एनी हाउ। वहाँ पर भी स्पेस है तो वहाँ पर जो मेरे लहंगा साड़ियाँ अभी आने की है वो सब कुछ डालूंगी। मैंने इतनी सारी ड्रेसेस लगा दी हैं, फिर मेरी ड्रेसेस काफ़ी सारी बची हुई हैं, ये देखो, ये मेरा वेडिंग एनिवर्सरी पहना था आछो का, आछो का काफ़ी सारा कलेक्शन है मेरे पास, ये भी आछो का ही है अनारकली, और ये मेरा फेवरेट मेरे लास्ट ईयर मेरे बहुत देखा है पिंक वाला, इस पर पूरा ही देखो ये जरदोजी का काम हो रखा है, ये भी अच्छो का है, बहुत ही प्यारा सा। और ये मैं मम्मा के घर जब फर्स्ट टाइम गई थी तब वेयर किया था रानी एंड ये, और ये हुरैन के बर्थडे पे हमने वेयर किया था ये। अरे बस कर भाई, ये मैंने बकरी ईद पे मॉर्निंग के टाइम पे वेयर किया था पिंक, और ये लास्ट ईयर ईद के बाद मैंने पहनने के लिए बनवाया था, ये सारी मैंने बुटीक से डिज़ाइन करवाए हैं। और ये वाला ये तो रेडीमेड था, जरदोजी का कसब का काम हो रखा है। और ये मेरा ईद का आउटफिट जो मैंने बहुत प्यार से देखो तैयार करवाया था, इसका दुपट्टा इतना प्यारा है, और ये वाले मेरे ड्रेसेस हैं, मतलब ये देखो इसके पोंचो पे वर्क है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी प्योर के दुपट्टाज हैं। तो ये वाले ड्रेसेस के जो कुर्ताज हैं वो मेरे को ड्राई क्लीन के लिए भिजवाने हैं, ये देखो कितने प्यारा वर्क है इन पे, ये सब भिजवाना है और ये वाला भी भिजवाना है, दोनों ड्राई क्लीन करवा के फिर मैं इनको लगाऊंगी। लास्ट ईयर जो ईदगी उसका था, और इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। तो ये सारे हैं, और उसके अलावा उसमें भी कपड़े हैं, अभी वो भी ओपन कर रही हूँ, एक 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 निकाल के ला रही हूँ और लगाती जा रही हूँ। करो हाँ ऐसे किए थे, गंदी बात ना, चल सॉरी बोलो हुरैन को। और फाइनली बेड पे बेडशीट आ गई है, वैसे मैं बेड को जो है अभी फोल्ड करके यहाँ पे लगा दूंगी। और रहा मेरा वार्डरोब, तो वहां पर मेरे ड्राई क्लीन के कपड़े हैं वो वाले, और वो साड़ियां हैं, लहंगे नीचे हैं जितने अवेलेबल है, और ये है मेरे ड्रेसेस जो कि मैंने यहाँ पे लगाए हैं अच्छे से। तो अभी जैसे जैसे मेरे कपड़े निकलते रहेंगे और भी आते रहेंगे तो मैं लगाती रहूंगी। क्या हो गया, ये सब ऑफ हो गया, और भाभी आ गए थे मेरे साथ तो उन्होंने काफी सारा काम करवाया, हमने मिलकर किया तो जल्दी हो गया, हम सब लग गए थे, हमने बच्चों को भी लगा लिया था। और अब जो है हम बना रहे हैं खिचड़ी और साथ में मिंट चटनी जो मैं बनाऊंगी। शाबाश बेटा, बना रही हूँ मिंट चटनी, मैंने डाल लिया है हरा धनिया, ये है मिंट, उसको वॉश कर लिया है, मिंट चटनी बनाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक और डालेंगे हरी मिर्च, ऐसा रहता ऐसा रहता। ये आएगा इसमें जिंजर गार्लिक, गार्लिक तो हम डाल रहे हैं ये वाला क्योंकि छिलना गार्लिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लिप्स को बिना टच किए कोका कोला बोला जा रहा है, भाभी बोलो हाय, कोका कोला बोलो कोको कोला।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर देखा तो मुझे बता रहे तो यहाँ हमारी खिचड़ी बन गई है और इतनी बढ़िया सेंट आ रही है, रहा नहीं जा रहा है। मतलब आज हमने इतना काम किया है तो वी डिसाइड कि चलो आज हम लोग खिचड़ी बनाते हैं और मिंट की चटनी के साथ। और ये मेरा मिट्टू बच्चा, कहाँ से निकल रहे हो? अरे ये भी बोल रही तोता तोला बोलो। ये बन गई खिचड़ी, जबरदस्त खिचड़ी। ऐसे मैं मारती चल। यस ये देखो मेरा फ्रॉक पकड़ के। क्या टुन्ना, टुन्ने का मतलब क्या है? चिकट नहीं आहे, थे खिचड़ी आहे ग। खिचड़ी असी असते, एम आई राइट? खिचड़ी पातळ असते, भाभी सही बोला क्या मैंने? पातळ असते ना। नॉन सेंस। यस मम्मा, ओपन करो, बोलो व्हाट यू वांट। तो अभी जो है हम रेडी कर रहे हैं डोसा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस थोड़ा चूसा वासा हो गया है, तो हम चाह रहे हैं कि आगे रमजान है और डेली कुछ ऐसा बनाए जो हम ज्यादा खाएं, थोड़ा सा वेट गेन हो जाए, तो उस समय थोड़ा सा बैलेंसिंग रहेगा। चालाक चालाक ब्रो चालाक। तो एक महीना पहले से वेट गेन करना स्टार्ट। तो अभी यहाँ पर हो रहा है डोसे का बैटर रेडी, यह है राइस। और मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, सीखूंगी कि मुझे आ जाए। भाभी देखो ये भी लाइक है। अपनी हुरन है और हमारी पाड़ी हो रही है, चिंटी पाड़ी हो रही है। देखो अपनी हुरन कैसे हंसती है। हम वॉक कर रहे हैं और ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, अल्तमश और श्री। यहाँ में हम लोग बाहर आए और हम लोग पानी। अभी हम अपने सोसाइटी में अंदर ही है। ये कैच क्यों नहीं कर रहा स्टारबक्स? हाँ आप करा। और हमारी सोसाइटी में पूरा मॉल है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। ये जो स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, प्यूमा, ये जितने भी मतलब मॉल में सारे शोरूम्स है ना, हमको सोसाइटी से अंदर से एक डोर है, हम वहीं से जाते हैं, वहीं से शॉपिंग करते हैं, वहीं से एग्जिट लेते हैं, हमें बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। कम इन, मतलब सारे ही शोरूम्स है, सैमसंग, एप्पल, प्यूमा, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, और लाइफ स्टाइल का है, बीबा का है। वेरी गुड। और ये डायरेक्ट हम इतना सा वॉक करके आएंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे, और अंदर से ये वाला हमें डोर दिया गया है। और ये देखो ये पूरा मॉल है, तो हमें जो भी शॉपिंग करनी होती अंदर के अंदर, बाहर जाने की जरूरत नहीं। इतनी अच्छी हवाएं चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एलेक्सा, हु इज मान्या व्लॉग्स? From newsbooks.com, Mania is a popular model that is active across all social media platforms. Guys, Alexa ने मेरे बारे में बताया। मेरा बच्चा क्यों आया कर रहा है? Jay.